हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आपकी संजय यादव और मैं आप सबसे प्रणाम कर रही हूँ। तो आप सब कैसे हैं? मेरे बहुत अच्छे होंगे। और रोटी तो लेकर जाओ। क्या बताएं दोस्तों, रोटी नहीं है। आप बात है कि किसका न्याय मिलेगा किसका नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। और दिन पे दिन इनका सबका, समीर चौधरी का और गोरखपुरी भौजी का कंट्रोवर्सी बढ़ता जा रहा है। और अब तो जो होना था सो हो गया। अब जो हमारी पब्लिक ऐसी हमारी कुछ ऐसी पब्लिक हैं जो गोरखपुरी भौजी की तरह हैं और कुछ ऐसे हैं समीर चौधरी की तरह हैं तरफ हैं। तो अब तो जो होना था तो आप लोग करवा दिए। गोरखपुर प्रिय भौजी तो बहुत गलत तरीके से फंस गए हैं और अब इसके आगे क्या होना चाहिए, आप सब इंसाफ दिलाइए उनको। और जो दोषी है दोषी को सज़ा दिलवाइए, जो निर्दोषी है, अगर विष्णु राज निर्दोषी हैं तो उनको बाहर किया जाए और जो दोषी हैं तो उनको पकड़ा जाए। और ये राधाराज गोलू भैया और गोरखपुरी भौजी जो तीनों की रियासत में ली गई हैं, अब इन तीनों में से और अर्जुन विष्णुराज इनमें से कौन दोषी है यही पता नहीं चल रहा है। कि और इतने सारे हंगामा मच गया है कि दाल बात खिचड़ी पक रही है तो कुछ पता नहीं, समझ में नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप लोग को दिखाऊं, देखो मेरे बच्चे कैसे खा रहे हैं, देखिए दोस्तों। छत पे धूप है तो यहीं आए थे, बच्चे भी आ गए स्कूल से, तो यही सब बात है दोस्तों। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितना हमारी पब्लिक कितना सपोर्ट करेगी किसी का और किसको कितना लोग वीडियो बना के समझाएंगी या वीडियो के माध्यम से इंसाफ मिलेगा। तो इससे हमें लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, बस कभी ये परेशान होगा कभी वो परेशान होगा। हमारी प्रशासन किसी पे कार्रवाई तो कर रहे हैं, बस किसी का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि क्या होना चाहिए, प्रशासन के तौर से क्या होना चाहिए। पब्लिक जिसको उंगली उठा रही है उसी पे प्रशासन दौड़ रही है और प्रशासन भी हमारी निष्कर्ष नहीं निकाल रही है कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। और दोस्तों धूप लग रहा है तेज, तो यही सब बातें हैं। और जब YouTube मोबाइल खोलो तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या कहें किसी को क्या नहीं कहें। आजकल किसी का सपोर्ट करने लायक कोई है नहीं, सपोर्ट करना भी मुश्किल पड़ गया है। अब कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आज चाहे भाग कर शादी किए हैं चाहे जैसे किए हैं तैसे किए हों, तो वो अपने जैसे तैसे गुजार रहे हैं मेहनत करके चाहे जो भी करके, लेकिन पब्लिक इतना उंगली उठा रही है कि आदमी एक लेडीज जीने की मजबूर हो रही है, जीने पर मजबूर हो रही हैं मरने पर। और यही हाल था कि मालती को इतना सब सोशल मीडिया पे गंदगी उनके नाम से फैला, वो खुद थोड़ा बहुत वो गलत थी लेकिन इतना ही अफवाह मचा दिए थे, इतना ही फेक वीडियो बना के कि वो इस दुनिया से चली गई। अब जाने के बाद भी चैन नहीं है, जो उनके सपोर्ट में था वो भी लपेटे जा रहे हैं बारी बारी से। समीर चौधरी जी भैया बोल रहे हैं, मैं उनसे नमस्कार कर रही हूँ। उससे तो हमारी लग रहा है कि सारी यूपी डर जाएगी। और वो कह रहे थे कि मतलब बारी बारी से सबका नंबर आएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, नंबर लगाइए, लेकिन जो गलत है उस पर नंबर लगाइए। जो अश्लीलता फैला रही हैं तो उसके लिए तो हम खड़े हैं और सारे लोग और ऐसे ऐसे यूट्यूबर खड़े हैं और जिसको फंसाया गया वो भी खड़े हैं कि अश्लीलता पर आप उंगली उठाइए तो कोई नहीं रोक है, लेकिन बेगुनाह को सज़ा दिलवाना अच्छा नहीं है। और पता न मालती किस वजह से मरी, हो सके सोशल मीडिया पर उनका इतना ज़्यादा बदनामी हो गया था, इतना ज़्यादा इज्जत नीलाम हो रहा था कि वो शर्म के मारे हो सके कर नहीं हो अपने से कोई खुशी। और लोग वीडियो के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि अपने से नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक भी उलझन में पड़ी है, हमारी प्रशासन भी उलझन में पड़ी रही है
कि पता ही नहीं चला पा रहे हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। अगर ऐसे ही होता रहेगा दोस्तों तो हमारा समाज बहुत गलत रास्ते पे जाएगा, हमारे समाज पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या किया जाए, आप लोग जल्दी से जल्दी उसका कार्रवाई करिए और जो निर्दोषी हैं उनको बाहर कीजिए और जो दोषी हैं उनको अंदर कीजिए। बस यही हमारी पब्लिक से रिक्वेस्ट है। और किसी के पीछे बेगुनाह का मत लगो ताकि वो मरने तक मजबूर हो जाए। और आज मालती गई कल दूसरी मालती जाएगी तो हमारी पब्लिक, हमारा यूट्यूब चलने लायक नहीं रहेगा, चलने काबिल नहीं रहेगा। जो छोटे छोटे हैं उनकी बात तो खैर कुछ और है, जो हमारे भैया दीदी लोग जो हमारे स्टार हैं यूट्यूबर में तो वो लोग इतना मेहनत करके इतना ऊपर आए हैं, उन लोग का रोजी रोटी वही है तो वो सब बंद हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ना करिए और आप लोग एकता बना के न्याय को न्याय दिल, जो न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय दिलवाइए और दोषी को अंदर किया जाए, निर्दोषी को बाहर किया जाए। और एक भी एक दो अगर नहीं किसी को जानकारी, हमको भी उतना नहीं जानकारी है, जो मोबाइल में देख रहे हैं वही सब लोग लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से। अब तो कोई वहाँ दर तक तो देखने जा नहीं रहा है, जो देख रहा है वो अपना बता रहा है तो वही बताना जो यूट्यूब पे बता रहे हैं सब लोग वही देख के सब लोग चल रहे हैं। तो एक दूसरे पे उंगली मत उठाए, इतना मत उंगली उठाइए कि इंसान जीने पर मजबूर या मरने पर मजबूर हो जाए। और आज खैर उनके पीछे पब्लिक पड़ी है गोरखपुरी भौजी के पीछे, और हो सके खुद खुशी नहीं करना चाहिए, हो सके ऐसा अगर नहीं होना चाहिए, अगर हो भी गया तो बहुत बवाल हो जाएगा और हमारा यूट्यूब बंद भी हो सकता है। तो ऐसा ना करें कि अपने पैर में अपने से कुल्हाड़ी मारो। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग से आगे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आजकल के ऐसे रियासत लिए जाते हैं कि किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ भला ना करो तो बुरा मत करना सीखो। मैं तो यही कहूँगी आज के बाद किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। और प्लीज़ दोस्तों आप सबसे मैं नमस्कार कर रही हूँ।